नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गाजर का हलवा हम किस तरह से बिना कद्दूकस के हुए कम मेहनत में केवल आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गाजर को धो के इस तरह से छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेंगे और फिर एक कुकर में थोड़ा सा घी लेके इसे अच्छे से फ्राई कर लें। अगर आप घी ना खाना चाहते हो तो डायरेक्ट इसे कुकर में डाल के भी बॉईल कर सकते हैं, बट मैंने घी यूज़ किया तो इसलिए मैं इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद इसे हम थोड़ा सा दूध इसमें डाल देंगे ताकि हमारी जो गाजर है वो ना तो तला लगे और अच्छे से पक भी जाए। तो सीटी हम इसमें 2-3 लो फ्लेम में लगाएंगे और उसके बाद चेक करते हैं। देखिए, तो देखिए हमारी गाजर अच्छे से पक चुकी है और हम इस तरह से इसे दबाते हुए चेक कर लेंगे और एक दूसरे बर्तन में जिसमें हमने खोया डाला हुआ है उसके साथ में इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे दबाते हुए, इस तरह से घुमाते हुए, देखिए। और फिर इसके बाद आप इसमें चाहें तो आप इसमें काजू किशमिश मेवा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, केवल चीनी ही इसमें मैं डालूँगी। अकॉर्डिंग टेस्ट डाल के आप इसे गैस पे एक उबाल लगा लें जिससे इसकी चीनी भी मिक्स हो जाए और इसका टेक्स्चर भी थोड़ा अच्छा बन जाए। तो आपका गाजर का हलवा बनके तैयार है। थैंक यू।